हेलो दोस्तों, आज हम क्या पढ़ेंगे? डूडल्स पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? डूडल्स पढ़ेंगे। डूडल्स हमेशा हमारे किस चीजों के साथ आता है? जब हम किसी की हैबिट्स की बात करते हैं या फिर हम किसी के बारे में क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या आप ये काम करते हैं, जिनके पीछे ते ता ते अजय ते होगे आगे ते अजय, उसे हम क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हम डूडल्स के साथ हमेशा हमारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसे हम एक्शन वर्ब भी कहते हैं, एक्शन वर्ड भी कहते हैं। कि अगर आप किसी से पूछ रहे हो कि आप खाना खाते हो, तो आप ऐसे भी पूछ सकते हो, कहते हो कि आप खाना खाते हो, तो हम लिख सकते हैं डू यू ईट। इसकी नीड जाएगी क्या आप खाना खाते हो। फिर इसको अगर हाँ में आंसर देना चाहते हो तो दे सकते हो यस आई ईट। अगर नो में आंसर देना चाहते हो तो नो आई डोंट ईट। अगर आप किसी से पूछना चाहते हो कि आप स्कूल जाते हो, तो हम लिख सकते हैं डू यू गो टू स्कूल। ईट की जगह हम कोई और एक्शन वर्ड लगा सकते हैं। यहाँ पर भी हमारे कोई और मैंने पूछा कि आप स्कूल जाते हो, तो उसकी इंग्लिश होगी डू यू गो टू स्कूल। आई गो टू स्कूल। No, I don't go to school. वो हम लगाते हैं प्लूरल्स के साथ और डज हम लगाते हैं सिंगुलर्स के साथ। डज हम किसके साथ लगाते हैं? सिंगुलर्स की जगह डज के साथ तो हम सिंगुलर लगाते हैं, मतलब सिंगुलर के साथ हम डज लगाते हैं। जैसे शी ही इट नेम, नेम की जगह किसी का नेम आ सकता है। शी की जगह भी किसी का नेम आ सकता है, लड़की का, और ही की जगह लड़के का नाम आ सकता है। इट की जगह हम एनिमल्स का नाम लगा सकते हैं। डू किसके साथ लगाते हैं हम? प्लूरल के साथ। नहीं आई 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 का हम आई की जगह कोई और इसका नाम लिख सकते हैं। ना ही वी की जगह नाम लिख सकते हैं, ना ही यू की जगह नाम लिख सकते हैं, और ना ही ने की जगह नाम लिख सकते हैं। ये सात होते हैं, ये इनको इजी तरीके से याद करना वो होता है कि जैसे ये हो गए प्लूरल हो गए, हम उनकी जगह कुछ नाम नहीं लगा सकते, ना ही शी का, ना ही खुद का, ना ही किसी का भी नहीं लगा सकते। और हम सिंगुलर में शी की जगह लड़की का लगा सकते हैं, ही की जगह लड़के का लगा सकते हैं, इट की जगह एनिमल का, और ना की जगह किसी का भी नाम लगा सकते हैं। तो सिंपल सा तरीका है इसे याद करने का।